लाव लेक्टर्स डिस्कस के वाट इज ई कॉमर्स अब जो ई e कॉमर्स है उसका जो बेसिक इंटेंट है वो ज़रा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है ई e कॉमर्स से मुराद ये है कि एक कोई एक कोई मैन्यूफैक्चरर है वो कोई चीज़ परचेज कर रहा है या वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उस, उसको कह लें कि वो उसकी उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो यानी वो एक एंटिटी है और दूसरा एंटिटी है बायर यानी वो मैं भी हो सकता हूं आप भी हो सकते हैं एनी कस्टमर जो उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा फिर ई e कॉमर्स क्या चीज है वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिर्फ उन इश्यूज को डील करती है कि जो काम मैन्युफैक्चरर और बायर ऑफलाइन कर रहे थे यानी फिजिकली जाके कर रहे थे हम सिर्फ जो परचेजिंग का मैकेनिज्म है वो हम लोग ऑनलाइन ले आए हैं मतलब व्हाट डज इट मीन इससे मुराद ये है कि जितने भी एक्टिविटीज जितने भी एस्पेक्ट एक बायर और एक मैन्युफैक्चरर आपस में सेल परचेज करने के लिए करते थे स्पेसिफिकली सेल परचेज के लिए यानी अब पेमेंट के लिए यहां पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं वर्ड अ पेमेंट के लिए जिसको हम लोग ई e कॉमर्स में ट्रांजेक्शन बोलते हैं मतलब ई e कॉमर्स उन तमाम चीजों को एड्रेस करता है या उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करेगा जो पेमेंट से लिंक है या ऑनलाइन सेल परचेज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनसे लिंक है दैट इज वन पॉइंट और ये बहुत बड़ा चेंज है द सेकंड थिंग इज के जैसे मैंने कहा कि जब मैं ऑनलाइन का वर्ड यूज कर रहा हूं तो आजकल के दिनों में एज वी स्पीक ऑनलाइन का मतलब से मुराद ये कि इंटरनेट पर जो सेल परचेज हो रही है अब इंटरनेट पर सेल परचेज के अलावा और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है लेकिन क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उन एक्टिविटीज के ऊपर है जो ई e कॉमर्स की अमरेला में आते हैं और वो सिर्फ सेल परचेज से रिलेटेड हैं अब मैं अगर इसी सेल परचेज को इंटरनेट के ऊपर बाइफर्केट करूं तो एक सेल परचेज वो है जो मैं अपने फॉर एग्जांपल पीसी के ऊपर बैठ के करूंगा यानी मैं ब्राउजर के ऊपर बैठ के करूंगा दैट इज वन वे ऑफ डूइंग द सेल परचेज या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बट द मोर इमरजिंग थिंग यानी वो चीज जो आजकल बहुत ज्यादा इन है दैट इज मोबाइल पेमेंट मोबाइल पेमेंट इज जस्ट लाइक अ हॉट केक दिस डेज वट डज इट मीन मोबाइल पेमेंट से मुराद ये है कि मुझे अब बड़ा पी नहीं चाहिए इवन आई आई don't नीड अ लैपटॉप मुझे बड़ा कंप्यूटर भी नहीं चाहिए I just need a mobile. उसके ऊपर मुझे एक ऐप चाहिए या अगर ऐप भी नहीं चाहिए तो मुझे जो ब्राउजर है वह चाहिए एंड ऑल आई नीड इज अ गुड इंटरनेट कनेक्शन थ्री जी ओ फोर जी ओ कोई भी हो एंड आई विल भी एबल टू परचेज एनी थिंग ओवर द इंटरनेट बाई यूजिंग दैट मोबाइल ऐप नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक दीज डे मोबाइल पेमेंट्स सो उसके अलावा जो बिजनेसिस हैं जो मतलब जिन ट्रांजेक्शंस का मैं जिक्र कर रहा हूं वो बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है जो कि बड़ी कॉमन चीज है यानी एक मैन्युफैक्चर एक चीज उसने उसे मैन्युफैक्चर की रादर देन वो चीज अपने किसी फिजिकल शॉप पे लेके जाता उसने वही प्रोडक्ट ऑनलाइन रख दी और मैंने एज अ बायर वो चीज परचेस कर ली और मैंने पेमेंट कर दी ये एक चीज है जिसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं इसके अलावा और बेतहाशा कैटेगरीज हैं दूसरी कैटेगरी है बिजनेस टू बिजनेस वट डज इट मीन बिजनेस टू बिजनेस मुराद ये कि अब इसमें एक चीज एक जो एंटिटी है वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा खरीदने वाला भी कोई मैन्युफैक्चरर ही है यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने एक चीज बेची है तो वो दूसरे मैन्युफैक्चरर को कैसे चीज बेचेगा इससे मुराद ये है कि एक एक फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है अब गाड़ी के अंदर मल्टीपल कॉम्पोनेट्स हैं अब एक मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी का एक कॉम्पोनेंट बनाया फॉर एग्जाम्पल गेयर बनाया और वो दूसरे मैन्युफैक्चरर ने जो कि गाड़ी बना रहा है उसे परचेज कर लिया दैट कैन बी डन ओवर द इंटरनेट ऑल्सो तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं लेकिन जो यहां पे इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम लोग हम लोग यूएक्स बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं या कस्टमर एक्सपीरियंस बोलते हैं यानी मी एज अ बायर यानी अब मैं बिजनेस टू कंज्यूमर की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो मी एज अ बायर मुझे ये नहीं पता कि बिहाइंड द थीन क्या हो रहा है वॉट डज इट मीन यूएक्स के हिसाब से यानी एक कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस होल थिंग इज सीमलेस यानी इट इज मेरे हिसाब से फिजिकल स्टोर मौजूद नहीं है लेकिन एक्चुअली फिजिकल स्टोर मौजूद है जैसे अभी आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि जब मैंने कोई चीज परचेस करनी है एज अ ऑनलाइन तो मैं पहले किसी वेब सर्वर से कनेक्ट करूंगा वेब सर्वर से मुराद है जस्ट लाइक माई इंटरनेट कनेक्शन कोई भी ई स्पी का कनेक्शन हो सकता है थ्री जी का कनेक्शन हो सकता है फोर जी का कनेक्शन हो सकता है uh, यहां पे आप देख रहे हो मैं अभी लैपटॉप से कनेक्ट हुआ हूं यू कैन कनेक्ट विद मोबाइल ऐप एनी वन दैट इज स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू ये कि अब मैंने देर विल बी समथिंग विच विल बी ऑफर्ड बाय वेंडर ओवर द इंटरनेट जिसको अभी लेम टर्म में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं ऑर्डर मैनेजर बोल रहा हूं ऑर्डर मैनेजर आप समझे एक ऐसा बॉक्स है जो वेब सर्वर से आई हुई रिक्वेस्ट को यानी मैं एज एंड यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ वेब सर्वर के थ्रू और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया ऑर्डर मैनेजर को तो ऑर्डर मैनेजर इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग माय ऑर्डर अब जो ऑर्डर मैनेजर है उसने सबसे पहला स्टेप यह करना है फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया और मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे दस मोबाइल ऐप या मुझे दस फिजिकल मोबाइल खरीदने हैं तो मैंने दस मोबाइल की रिक्वेस्ट कर दी ऑर्डर मैनेजर को वाया वेब सर्वर अब जो ऑर्डर मैनेजर है उसने पहले जाके स्टॉक चेक किया अब जो स्टॉक डेटाबेस है वो हमें तो लग रहा है कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद है लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली जो मोबाइल फोन है वो कहीं फिजिकल वेयर हाउस में पड़े हुए हैं दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू सिमुलेट कि हमें ये लग रहा होता है एज अ कंज्यूमर के मोबाइल ऐप तो इंटरनेट पर ही जो मोबाइल है वो इंटरनेट पे ही कहीं पड़ा हुआ है हालांकि ऐसा नहीं है इंटरनेट इज द वर्चुअल थिंग तो एक्चुअली देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन ऑन द ग्राउंड जस्ट मच लाइक अ फिजिकल स्टोर तो इस केस में जब ऑर्डर मैनेजर सबसे पहले स्टॉक जाके चेक करेगा कि क्या दस मोबाइल फोन जो मैं परचेस करने जा रहा हूं या यूं कहे मैंने परचेस करने की रिक्वेस्ट दी है मौजूद भी है कि नहीं अगर दस मोबाइल फोन मौजूद हैं तो उसके बाद जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ऑर्डर मैनेजर मर्चेंट सिस्टम पे ले जाएगा मर्चेंट सिस्टम आप यूं समझें कि जब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ खरीद ली और मैं काउंटर पे गया फॉर एग्जांपल फिजिकल शॉप में मैं कोई चीज खरीदने के बाद मैं काउंटर पे गया तो काउंटर पे मुझे वो बिल देते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दस मोबाइल फ़ोन खरीद लिए हैं तो उसकी एक्स अमाउंट बनती है अब क्योंकि मैं फिजिकल स्टोर पर मौजूद नहीं हूँ तो मर्चेंट स्टोर पर जब जाऊँगा तो मेरे सामने कोई पेमेंट का मैकेनिज्म ओपन हो जाएगा कोई पेमेंट का तरीक़ेकार ओपन हो जाएगा इससे मुराद ये है कि मैं कुछ जो जो भी पेमेंट मैंने करनी है वाया क्रेडिट कार्ड करनी है वाया या पे पॉल करनी है या जो भी मैकेनिज्म के थ्रू करनी है उसके ज़रिए मैं बैंक से कनेक्ट होऊंगा बैंक के थ्रू मेरी सारी जो डिटेल्स होंगी वो वेरीफाई होंगी उसके बाद वेब सर्वर के थ्रू मुझे पता लगेगा कि जी मेरी पेमेंट क्लियर हो गई है और एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा ये तो मुझे लगेगा एज अ एंड यूजर लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होगा जो मेरी चीजें हैं वो वेयर हाउस से डिस्पैच होके किसी फिजिकल स्टोर से डिस्पैच होके व्हील पे यानी जो भी डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसके थ्रू मेरे पास पहुंचेंगी उतने दिनों के बाद जो मुझे ऑर्डर में बताया गया होगा इससे मुराद ये अब आप ये पूरी सिचुएशन को देखें जरा जो डेटाबेस को चेक कर रहा है जो वेयर हाउस से चीज डिस्पैच हो रही है और जो व्हीकल में चीज मुझे मिल रही है ये देखने में तो मुझे मेरे लिए सीमलेस है मतलब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि ये तीन स्टेप्स हो रहे हैं मुझे तो बस ये पता है कि मैंने एक वेबसाइट के थ्रू एक ऑर्डर मैंने पुल uh, मैंने पुश किया अपनी क्रेडिट कार्ड किया जो भी पेमेंट का मैकेजम था uh, वो मैंने पुट किया मेरी डिटेल्स वेरीफाई हुई आई गॉट माई प्रोडक्ट दिस इज इट सो फॉर मी दिस इज थ्री स्टेप कि ऑर्डर प्लेस किया डिटेल मैंने देखी uh, मैंने पुश की मेरी पेमेंट वेरिफिकेशन हुई आई गॉट द प्रोडक्ट दिस इज इट मेरे लिए डेटा बेस में जाके चेक हो रही है चीज वेयरहाउस पे जो भी डिस्पैचिंग का प्रोसेस हो रहा है वहीकल पे, पे चीज लोड होके मुझे मिल रही है दी थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड सीन तो ये एक्चुअली सीमलेस से मुरादी होती है कि एज अ एंड यूजर फ्रॉम द यू एक्स व्यू पॉइंट या फ्रॉम द कंज्यूमर व्यू पॉइंट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज डिटेल्स